तो हे गाइस, मेरा नाम है विवेक एंड आप देख रहे हो हमारा टेक कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ 1,10,000 रुपए में आने वाला एक गेमिंग पीसी। अब ये खाली गेमिंग पीसी नहीं है, ये एक ऑलराउंडर पीसी होने वाला है जिसके अंदर हमने लुक्स एंड परफॉर्मेंस दोनों पे ही काफी ज्यादा ध्यान दिया है। जैसा कि आप देख ही सकते हो, एस्थेटिक्स इस वाले पीसी के काफी ज्यादा कमाल के हैं एंड ये एक वाइट थीम बेस्ड पीसी होने वाला है। इस वाले पीसी को ऑर्डर किया है सुनील भाई ने, जो कि रहने वाले हैं राजस्थान से। तो गाइस, ये वाला जो पीसी है ये राजस्थान जाने वाला है। अब अगर आपको भी बनाना था कुछ इसी तरह का गेमिंग एडिटिंग या फिर स्ट्रीमिंग पीसी, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे, जो कि है 9898684750। यहाँ पे जाके व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक आप भी ऑर्डर कर सकते हो अपने लिए ऐसे ही ब्रांड न्यू चमचमाता हुआ गेमिंग पीसी हमारे यहाँ से। हम आपके पीसी में विंडोज एंड गेम इंस्टॉल करके आपके डोरस्टेप तक डिलीवर करवा देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग अभी के टाइम पे भी पायरेटेड विंडोज यूज करते हो ना, तो ये काफी ज्यादा रिस्की चीज है एंड अभी के टाइम पे आपको यार विंडोज की कीज काफी ज्यादा चीप प्राइसेस से मिल जाती है। फ्रॉम VIP कीज आप लोग यहाँ से बाई कर सकते हो, ओनली 650 रुपीज में आपको यहाँ पे OEM कीज देखने मिल जाती है एंड साथ ही साथ में 1100 रुपए में आपको रिटेल कीज देखने मिल जाती है, जो कि यार काफी ज्यादा सस्ती प्राइस है। एंड साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पे हमारा कूपन कोड यूज करते हो जो कि है TC350, तो आप लोगों को एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इनकी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहां से जाके परचेस कर सकते हो। सो एज यू गाइस कैन सी, यहाँ पे हमने व्हाइट पार्ट्स का उपयोग ज्यादा किया है। व्हाइट पार्ट्स यहाँ पे हम ज्यादातर यूज करने वाले हैं, दैट मींस कि एक व्हाइट बिल्ड होने वाला है एंड पार्ट्स भी यार काफी ज्यादा कमाल के लगा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रोसेसर। प्रोसेसर यहाँ पे हम लगा रहे हैं इंटेल का, उनका i5 13500। अब i5 पे मत जाओ यार, यहाँ पे आपको मिल जाता है टोटल 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड, जो कि यार मोर देन इनफ रहने वाले हैं किसी भी कामों के लिए। फिर चाहे आपको गेमिंग एडिटिंग या फिर स्ट्रीमिंग करनी थी, इसमें आपको 6 परफॉर्मेंस कोर मिल जाता है एंड 8 एफिशियंट कोर यहाँ पे आपको देखने मिल जाते हैं। मैक्स टर्बो परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 4.8 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे आपको बूस्ट क्लॉक मिल जाती है। काफ़ी अच्छा खासा प्रोसेसर है, 24 MB की यहाँ पे आपको L3 कैच भी देखने मिल जाती है। तो ओवरऑल गेमिंग एडिटिंग एंड स्ट्रीमिंग तीनों ही काम बड़े ही आसानी से करा देगा। अब बजट बिल तो है नहीं यार, तो यहाँ पे पार्ट्स हमने काफ़ी तगड़े वाले यूज़ किए हैं। तो अगेन यहाँ पे आप लोग इसका सीरियल नंबर एंड सील विल देख लो। फटाफट से मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। हालांकि यार ये लोग इन प्रोसेसर के साथ स्टॉक कूलर क्यों देते हैं वो मुझे समझ में नहीं आता। अब आप 14 कोर के साथ यार ऑब्वियस सी बात है स्टॉक कूलर तो नहीं यूज़ करोगे, और स्टॉक कूलर भी एकदम थर्ड क्लास। तो ये रहा गाइस हमारा प्रोसेसर, जो कि है i5 13400F। अगेन इसको मैं साइड पे रख लूँगा, काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है एंड स्टॉक कूलर तो यहाँ पे हम लगाएंगे नहीं, तो भाई इसको भी साइड पे रख लेते हैं। इसके बाद गाइस ग्राफिक कार्ड वाला जो सीन था वो ये है, ग्राफिक कार्ड यहाँ पे हमने लगाया है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला उनका RTX 4060 ट्रिपल फैन वाला OC एडिशन, DLSS 3 रे ट्रेसिंग रिफ्लेक्स एंड स्टूडियो का सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया ग्राफिक कार्ड है, मस्त यार डिसेंट से प्रीमियम लुक्स के साथ आता है। साइड में आपको गीगाबाइट का जो लोगो है वहाँ पे आपको RGB देखने मिल जाती है, वो ग्लो होता है। बैक प्लेट भी यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है एंड 1 GB की VRAM यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है। तो ओवरऑल यार अगर आपको गेमिंग करनी थी या फिर स्ट्रीमिंग करनी थी या एडिटिंग करनी थी बजट में रह के, तो आप इसको ले सकते हो। हालांकि अगर आप चाहो तो यार इसी बजट में अच्छा कार्ड भी लगा सकते हो, जैसे 4060 Ti हो गया, थोड़े बहुत पार्ट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके। बट यहाँ पे हमको लुक्स के साथ साथ परफॉर्मेंस भी डिसेंट चाहिए थी, एस्थेटिक्स भी यार टॉप प्रायोरिटी थी भाई की, तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये वाला कार्ड लगाया है। ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे प्रीमियम बॉक्स देखने मिल जाता है एंड उसके अंदर यहाँ पे आपको थोड़े बहुत पेपर वेपर देखने मिल जाते हैं जिसको हम कभी पढ़ते नहीं हैं, साइड पे रख देंगे। एंड ये रहा हमारा ग्राफिक कार्ड, ऐसी पॉलीथीन में आपको मिलेगा। पीछे यहाँ पे आपको 3-3 सील मिल रही है। इसको ओपन करके आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ ग्राफिक कार्ड का। ट्रिपल फैन एडिशन है, देख रहे हो यार, एक छोटा एक बड़ा फैन यहाँ पे आपको मिलता है। पीछे यहाँ पे आपको 2 HDMI 2 DP पोर्ट मिल जाते हैं, 4 मॉनिटर आप कनेक्ट कर सकते हो। बैक प्लेट आपको यहाँ पे मिल जाता है एंड एयर फ्लो के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ओपन पैनल दिया गया है। तो ओवरऑल यार सिल्वर और ब्लैक कलर की थीम के साथ काफ़ी प्रीमियम फील होता है ये वाला ग्राफिक कार्ड। इसको हम साइड पर रख देंगे एंड इन सभी पार्ट्स की अगर आपको प्राइजेस चेक करनी है तो भाई लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में सारे ही पार्ट्स की, वहाँ से जाके आप प्राइजेस देख सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। मदरबोर्ड यहाँ पे हम ये वाला लगा रहे हैं, जो कि है MSI का B760M बॉम्बर वाईफाई मदरबोर्ड, Zen 4 के सपोर्ट के साथ यहाँ पे आप लोग को ये वाला मदरबोर्ड थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड मिल जाएगा। एक ओवरव्यू यहाँ पे अगेन आपको मैं दे दूंगा, अनबॉक्स कर लेते हैं इसको भी फटाफट से एंड पीछे भी आपको यहाँ पे सील देखने मिल जाती है। तो मेक श्योर कि यार आप कहीं से भी PC बनवा रहे हो ना, तो कोशिश करो कि वीडियो में ही सील ओपन मिले आपको, यानी खोल के वो लोग दिखाए। पीछे
कहीं पीछे ना बनाए, ये जस्ट मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए। दो रैम स्लॉट आपको मिल जाता है, NVMe का स्लॉट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ एंड वाईफाई का सपोर्ट देखने मिल जाता है, एंटीना अगेन आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो ये क्विक आपको मदरबोर्ड का मैंने ओवरव्यू दे दिया है, एंड यहाँ पे एंटीना हम बाहर निकाल लेंगे। अब रैम के लिए गाइस यहाँ पे हमने यार 32GB की रैम लगाई है, XPG की लांसर DDR5 वाली रैम है ये, 5200 MHz वाली फ्रीक्वेंसी के साथ आती है एंड काफी कमाल के लुक्स के साथ आती है, RGB रैम है। तो ये वाली हम रैम लगा रहे हैं एंड ये जो CPUs है हायर फ्रीक्वेंसी वाली रैम को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप DDR5 वाला PC बना रहे हैं तो मेक श्योर कि यार हायर फ्रीक्वेंसी वाली रैम लो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस मिल सके। परफॉर्मेंस में यार कोई कमी नहीं होनी चाहिए एंड RGB में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार RGB की वजह से आपको FPS ज्यादा मिलते हैं। ये जोक था गाइस, एक बार आप लोग इसके यार लुक्स देख लो, काफी डिसेंट लुक्स के साथ आती है, व्हाइट कलर की रैम है, ऊपर आपको RGB मिल जाएगी एंड XPG का लोगो, रैम टाइमिंग भी अच्छी है। तो ये वाली रैम हम लगाएंगे, अगेन इसको हम कोने पर रख देते हैं एंड उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा कंपोनेंट है उसको हम यार अनबॉक्स कर लेते हैं, हर बार ये छूट जाता है। यहाँ पे AIO हम लगा रहे हैं, कूलर मास्टर का 360mm का AIO, जो कि हमारा मास्टर लिक्विड 360L कोर व्हाइट वाला AIO लगा रहे हैं। इसको भी मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ फटाफट से एंड आराम से हम PC को बनाएंगे। तो ये सबसे बड़ा बॉक्स है इस वाले PC में एंड इसके लिए हमको टेबल भी यार बड़ा ही लेना पड़ा था। वैसे का ये स्टूडियो हमारा बन रहा है, जल्दी ही रेडी हो जाएगा, कलर वलर हो चुका है, बस अब फर्नीचर का काम बाकी है। तो गाइस ये रहा हमारा AIO। अब इसके अंदर आपको टोटल 3 पंखे देखने मिल जाते हैं 120mm वाले, जो कि वाइट कलर में है, ये देख लो आप लोग। एंड यहाँ पे आपको 360mm का रेडिएटर भी देखने मिल जाता है। तो मैं अनबॉक्स नहीं कर रहा हूँ यार, काफ़ी बड़ा है, तो फिलहाल इसको हम साइड पे रख देंगे। एंड इसके बाद NVMe के लिए यहाँ पे हमने 1TB की NVMe लगाई है, जो कि है Gen 4 वाली किंगस्टन की V2। अब ये यार सबसे सही अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस होता है इसका, हालांकि इस बार नहीं हुआ, बट ऐसे नॉर्मल एक फोल्ड मारने पे ही ये बाहर आ जाता है, इस बार नहीं हुआ। रीड एंड राइट स्पीड कमाल की आपको देखने मिल जाती है एंड यहाँ पे ये सेकेंडरी एंड यहाँ पे ये प्राइमरी स्टोरेज है, जिसके ऊपर हम विंडोज इंस्टॉल करेंगे। आफ्टर दैट गाइज यहाँ पे हमने एक 2TB की हार्ड ड्राइव भी इंक्लूड की है, जो कि है WD की ब्लू 2TB वाली हार्ड ड्राइव है, 7200 RPM वाली हार्ड ड्राइव है। इसके अंदर यार गेम्स एंड मूवीज स्टोर होने वाली है, तो ओवरऑल स्टोरेज की भी कहीं से भी कमी नहीं होगी, काफ़ी यहाँ पे ढेर सारा स्टोरेज मिल रहा है भाई को। एंड आखिरी में इस पूरे बिल्ड को पावर अप करने के लिए 650W का ब्रॉन्ज सर्टिफाइड PSU लगाया है, डीप कूल का 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड PSU है। इसको भी मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ। अब अगर आपको फ्यूचर में अपग्रेड करने थे, एकदम हैवी अपग्रेड करने थे, तो आप लोग 750 या 850 पे भी जा सकते हो, बाकी यार ये मोर देन इनफ रहेगा। ग्राफिक कार्ड वार्ड आपको 4060 Ti लगाना था, तो इस वाले PSU के साथ आप वो काम कर सकते हो। इसकी पैकेजिंग ये लोग मस्त कर दे यार, देख रहे हो एकदम सेफ्टी से ये लोग आपको भेजते हैं। ये रहा हमारा पावर सप्लाई एंड पावर केबल वेबल यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है, तो अगेन इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। परचेस वर्चेस करना है तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप खरीद लेना। तो ये थे गाइस वो सारे एंड लास्ट में गाइस कैबिनेट के लिए यहाँ पे हमने वही हमारा एंटी स्पोर्ट्स का व्हाइट वाला क्रिस्टल यूज़ किया, जो कि यार आजकल काफ़ी सारे लोग इसको परचेस कर रहे हैं, स्पेशली हमारे यहाँ ज़्यादातर ऑर्डर्स जो एक्सपेंसिव वाले ऑर्डर आ रहे हैं ये वाला केस लगा रहे हैं। काफ़ी कम लोग हैं जो लियानली के साथ जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो केस है ना सस्ते में आपको लियानली वाली फीलिंग दिला देता है, इसको आप सस्ता लियानली भी कह सकते हो। O11 डायनामिक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि वो जो केस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी क्या यार, मतलब वो 12-13 हज़ार रुपये में खाली आपको केस मिलता है बिना फैन के साथ। एंड यहाँ पे आपको 4 पंखे मिल जाते हैं ARGB वाले, और साथ ही साथ में बटन से आप कंट्रोल भी कर सकते हो। बाकी ओवरऑल लुक आप लोग देख ही सकते हो, ड्यूअल चैम्बर डिज़ाइन है जो जैसा कि आपको वहाँ पे मिलता है। तो ओवरऑल बढ़िया कैबिनेट है ये, बजट में आ जाता है यार, मतलब इतना भी बजट नहीं है, 7000-6500 के आसपास मिल जाएगा। तो ये थे वो सारे पार्ट्स गाइस जो कि हम इस वाले बिल्ड में यूज़ करने वाले हैं। अब आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए फटाफट से इस वाले PC को हम बना लेंगे एंड लेट्स स्टार्ट विथ प्रोसेसर। तो यहाँ पे हम प्रोसेसर लगा लेते हैं, सबसे पहले लीवर को हम ऊपर कर लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हम अपने CPU को फटाफट से यार इस वाले सॉकेट में लगा लेंगे, कुछ इस तरह से निकालेंगे, इसको रख देंगे एरो की को मैच करते हुए। तो एरो की को देखना है तो आप इसको निकाल लो प्लास्टिक को, पहले एरो की यहाँ पे ऊपर की साइड है, अगेन इसको ऐसे हम रख देते हैं और अपने लीवर को हम बंद कर देते हैं। दैट्स इट, प्रोसेसर हमने लगा दिया है। आफ्टर दैट गाइस यहाँ पे अपनी रैम को लगा लेते हैं। अब दो ही रैम स्लॉट है तो ये आराम से एक एक स्लॉट में इसको आप लगा लो। ये व्हाइट वाली रैम काफी प्रीमियम लगती है यार, इसलिए आप इसको पकड़ोगे ना काफी हैवी भी है एंड एक्सपेंसिव भी है भाई। DDR5 इसी वाले PC को आप सस्ते में बना सकते हो DDR4 के साथ जाते हुए, DDR5 पे जाओगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ने ही वाला है। आफ्टर दैट गाइस यहाँ पे अपनी NVMe को लगा लेंगे। अब यहाँ पे आपको NVMe का जो स्लॉट मिलता है ना, वहाँ पे आपको हीट स्प्रेडर भी देखने मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि हमारे NVMe में हमको हीट स्प्रेडर नहीं मिला था NVMe में। तो ये रही हमारी NVMe। तो गाइस यहाँ पे
इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, अब स्टॉक कूलर हम नहीं लगाएंगे अभी, बिकॉज यहाँ पे हम AIO लगा रहे हैं। तो बाकी का जो काम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको फिलहाल हम साइड पे रख लेंगे। तो इस केस को बॉक्स के बाहर निकाल लेते हैं, जो कि हमारा क्रिस्टल कैबिनेट व्हाइट वाला वेरिएंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फ्रंट पैनल एंड पीछे का पैनल यहाँ पे हम साइड पे निकाल के रख देंगे, एंड आफ्टर दैट गाइस यहाँ पे अपनी आयो सील को लगा लेंगे। अब आयो सील लगाने के बाद यहाँ पे अपने मदरबोर्ड को लगा लेते हैं, जो कि है B760 मदरबोर्ड बॉम्बर वाईफाई। एंड यहाँ पे अब फ्रंट अब केस वाले जो केबल है ना, जैसे फ्रंट पैनल कनेक्शन, USB कनेक्शन, इन सभी केबल्स को हम मदरबोर्ड में लगा लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे अपनी हार्ड ड्राइव लगा लेंगे, पीछे हार्ड ड्राइव में 2 TB की हार्ड ड्राइव है जो। एंड आफ्टर दैट गाइज यहाँ पे हम अपने टॉप पे AIO को माउंट कर देते हैं, जो कि है 360mm का AIO। अब इसके रेडिएटर को भी हम लगा देते हैं, पंप को भी लगा देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे आराम से यार पीछे केबल मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा, बट यहाँ पे हम अपना PSU लगा लेते हैं। एंड इसके केबल्स को भी मदरबोर्ड में लगा लेंगे, एंड साइड में यार काफ़ी सारे पीछे की तरफ काफ़ी सारे केबल्स हो जाते हैं, बट जिप टाइज की मदद से अच्छा सा केबल मैनेजमेंट हम यहाँ से करने वाले हैं यहाँ पे फुर्सत से। एंड उसके बाद ग्राफिक कार्ड लगा लेते हैं, एंड पीछे केबल मैनेजमेंट करके फाइनली इस वाले PC का जो बैक कवर है उसको बंद करके टर्न ऑन कर लेते हैं इस वाले PC को। तो यार फाइनली हमारा जो PC है वो टर्न ऑन हो गया है, एंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब देखो, अगर आप चाहो तो यार परफॉर्मेंस वाले पार्ट्स लगा के RGB पे थोड़े बहुत कम खर्चा करके आप इस वाले PC में एक अच्छा सा ग्राफिक कार्ड लगा सकते थे, RAM आप नॉर्मल लगा सकते थे non-RGB, एंड केस भी आप नॉर्मल ले सकते थे। उसके बाद ये वाला जो PC है आपको 110,000 रुपये में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे देता। इनफैक्ट 1440p पे आप गेमिंग कर सकते थे, बट यहाँ पे हमने लुक्स के साथ साथ परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया है, लुक्स भी यार टॉप प्रायोरिटी थी, इसीलिए ये वाले PC में हमने इन सभी पार्ट्स का यूज़ किया है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी यार AIO भी यहाँ पे हमने व्हाइट कलर का काफ़ी टॉप क्लास का लगाया है 360mm का। एंड व्हाइट वाले जो पार्ट्स आते हैं ना गाइस, ये थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं ब्लैक के कंपैरिजन में, तो आई होप आप लोग समझोगे। बाकी यार कैसा लगा ये वाला PC नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड PC ऑर्डर करना था तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेना, जो कि है 9898684750। बाकी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, मैं मिलूंगा आप अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।